नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 News। SPN9 News में आपका स्वागत है। और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, बिहार से यहां पर खबर आ रही है। स्पीकर अवध बिहारी नीतीश कुमार का गेम ओवर करने वाले हैं। बता दें आपको कि बिहार के यहां पर जो स्पीकर हैं अवध बिहारी, वो यहां पर नीतीश कुमार का गेम ओवर करने वाले हैं। क्यों और कैसे, ये भी आपको बता देते हैं। अवध बिहारी ने यहां पर इस्तीफा देने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि वो अपने पद से इस्तीफा नहीं यहां पर देंगे, जिसके चलते नीतीश कुमार की टेंशनें जो है वो यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अवध बिहारी को लेकर जितनी भी जानकारियां यहां पर सामने आ रही है, उसमें अवध बिहारी यहां पर नीतीश कुमार के ऊपर भड़कते नजर आ रहे हैं। अवध बिहारी चौधरी के जरिए खेला करने की तैयारी में है आरजेडी, फंसा दिया है 14 दिन के नोटिस पर पैच। बता दें बिहार में नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के बाद प्रदेश की पूरी राजनीति बदल गई है। अब जेडीयू के वरिष्ठ नेता और एनडीए सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने यहां पर विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के दावे को खारिज कर दिया था। और अवध बिहारी का यहाँ पर एक वीडियो हम लेकर आए हैं, तो पहले आप यहाँ ये वीडियो देखिए। मैंने कहा कि विधानसभा के कार्य संचालन प्रक्रिया कार्य संचालन नियमावली है, और हमें आज जानकारी मिली है कि अविश्वास प्रस्ताव मेरे ऊपर भी है। तो उस नियमावली में स्पीकर पर जब अविश्वास प्रस्ताव संकल्प कोई माननीय सदस्य दे देते हैं, तो उसमें निहित है कि वो अविश्वास प्रस्ताव 14 दिन बीत जाने के या 14वें दिन उस अविश्वास और उस संकल्प पर, मतलब प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष जो है निश्चित उस दिन तक अध्यक्ष हैं जिस दिन वो सदन के द्वारा उनके, मतलब विपक्ष में और प्रस्ताव के पक्ष में मतदान नहीं हो जाता। आप क्या मतदान कराएंगे उस दिन? मैंने कहा कि जो नियम प्रक्रिया है उसके तहत जो आवश्यकता होगी, कानून जो कहेगा वो मैं करूंगा। मतदान आप कराएंगे? कुछ नहीं कह रहा हूँ। अच्छा। प्रक्रिया नियमावली के तहत जो आवश्यक निर्देश रहेंगे, तो पहले भी इस्तीफा दे सकते हैं, उसी के मुताबिक मैं कार्रवाई करूंगा। पहले भी इस्तीफा दे सकते हैं? आसन क्यों क्यों आसन पे क्यों? बीजेपी वाले कहीं कह रहे थे, उनके उनका कहना काम है। मैं नियम को मानने वाला व्यक्ति हूँ और नियमानुसार मैं चल रहा हूँ, और नियमानुसार ही मैं करवाई। तो आपने यहाँ पर देखा कि अवध बिहारी क्या कुछ कहते नजर आए हैं अपने इस्तीफे को लेकर। अब यहाँ ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि अगर अवध बिहारी इस्तीफा नहीं देते हैं, तो यहाँ पर नीतीश कुमार का गेम ओवर होता हुआ नजर आएगा। क्या कहना है आपका इस रिपोर्ट पर, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। और देखते रहिए SPN9 News। धन्यवाद।